चलो देखते हैं। काम पढ़ाए थे नॉर्मलिटी, इसमें पूरा नॉर्मलिटी के बारे में बात किया था। उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स में दो तीन पॉइंट और बचा है, जिससे फार्मूला यूज है उसका ज़्यादा यूज नहीं आता कहीं पे। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट माने मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, यानी जितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसे हम स्ट्रेंथ बोलेंगे। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट यानी ग्राम, ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा था पीपीएम, इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये भी क्या होता है? जैसे कि हम परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकाल रहे थे, परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी निकाल रहे थे या भी बाई भी निकाल रहे थे, बस उसी तरीके का है कि अगर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6। मिलियन में क्या होता है? 10^6। तो बस ये लिखना कि ppm इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6। ये सब का क्वेश्चन बहुत कम आता है। अगर क्वेश्चन आएगा भी तो वो मोलरिटी मोलिटी ये सब के फॉर्म में आएगा। इसके बाद हम बात करें एक और है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या है देख लेते हैं। अगर फॉर्मेलिटी की बात किया जाए तो फॉर्मेलिटी होता है टोटल मोलर मास इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन लिखते हैं। वन मीटर सॉल्यूशन अगर हम वो देखें तो इसका फॉर्मूला होगा कैप्टन एफ इज कम टू मोलर मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स था जो अभी तक हम देख रहे थे। थ्री लेक्चर जो पीछे चला वो तीनों का तीनों लेक्चर हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म्स से था जो 11th पेपर है। हम लोग को कुछ ज़्यादा यूज नहीं है अगर इस चैप्टर का सॉल्यूशन पार्ट यूज किया जाए। अब मेन रूप से हम अपने टॉपिक में आते हैं क्योंकि ये 11th का टॉपिक था। 11th में हम लोग इतना पढ़ चुके थे, सिर्फ एक बेसिक के तौर पर हमको बोर्ड में पूछ लिया जाता है। इसका आंसर हम यहाँ पर थोड़ा रिवाइज किया, दो या तीन लेक्चर जो भी पीछे हुआ हम रिवाइज किए। आज से हम सॉल्यूशन टर्म्स में आते हैं। सॉल्यूशन मेन रूप से क्या था उसके बारे में बात करेंगे, है ना। हम अब बात करते हैं तो देखो सिंपली हम अब बात करते हैं सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज के रूप में। तो हम आ जाते हैं पहले हम तो सिंपल अगर देखा जाए
आज हम समोशन स्टार्ट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक में जो भी कुछ इसमें पढ़ने दिया उसके बारे में बात करें। अगर समोशन की बात करें तो हमको सिंपल फिर से एक बार देखना थे कि वेट ऑफ, अगर समोशन पूछेगा तो वेट ऑफ समोशन इसका टू क्या हो सकता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? और भी हम पढ़े थे जिसे मोलरिटी के बारे में पढ़े, मोलरिटी इसका टू क्या क्या पढ़ा, पढ़ा था मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसके बाद पढ़ा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डी इंटू टी बाई मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। इसके बाद पढ़ा परसेंटेज डब्ल्यू बाई भी इंटू टेन बाई मोलर मास। तो कहीं कहीं हमको ये फॉर्मूला था, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो याद था इफ हाईली डाइमेंशन, अगर बहुत ज्यादा डाइमूट कर दिया जाए तो मोलरिटी जो होता है वही स्मॉल एम के बराबर हो जाता, मतलब ये है मोलरिटी और ये है मोलरिटी, तो मोलरिटी जो है वो मोलरिटी के बराबर हो जाता है। मेन तुमको ये टर्म्स याद रखना होगा और जो भी अभी तक पढ़ा है उसका नोट्स बनाते जाओ, खुद से बनाओगे तो बेहतर होगा। अगर हम मानो नोट्स दे भी देंगे, हम कोशिश करेंगे नोट्स बनाने का, नोट्स बना करके उसको दे भी देंगे तो उतना फायदा निकलेगा जितना कि खुद से नोट्स बनाएगा। यहाँ से कॉपी करोगे तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो देखते हो तो वीडियो देखते समय इसको क्या करो, कॉपी कर दे। कॉपी करने से क्या होगा कि पूरा तुम्हें एक बार रिवाइज होता चला जाएगा। चलो हम अपना टर्म्स में आते हैं, जिसमें सबसे पहला पढ़ना है वेपर प्रेशर। हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर यहां से टॉपिक स्टार्ट है और यहां से हर पॉइंट हमें समझना हो, समझेंगे तभी जाकर कि क्या होगा, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे बोर्ड में बनेगा, एमसीक्यू आएगा वो बनेगा। बात है वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एग्जर्टेड ऑफ एनी लिक्विड। वेपर्स ऑफ लिक्विड इज कम टू एक्सटर्नल प्रेशर या ओवर सरफेस लिखते हैं। जैसे अगर सोचो सिंपल टर्म्स, अगर हम यहां पर कोई लिक्विड रखते हैं, अगर हम यहां पर कोई लिक्विड रखते हैं और ये लिक्विड रखे हुए, इस लिक्विड को जब टेम्परेचर दिया जाए, मान लो यहां से हीट कर दे, तो हीट करने पर क्या होगा, अगर ये बर्तन क्लोज है सबसे, तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल यहां से जाए। हम जानते हैं कि अगर किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया जाए या किसी मॉलिक्यूल किसी पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके बीच की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। अगर बीच की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू करेगा। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू करेगा, इसका मतलब है कि उसके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगी, ब्रेक करेगी। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करेगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा। अगर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे लिक्विड से गैसेस स्टेट में चलना शुरू हो जाएगा। सोच लो अगर ये मान लेते हैं कि सर एक्स कोई लिक्विड है, एक्स अगर लिक्विड है, ये कुछ टाइम के हीट करने के बाद
ये एक्स गैस में चमक गया। क्या हुआ? एक्स गैस में चमक गया। अगर ये पार्टिकल धीरे धीरे इसको टेम्परेचर देता गया, टेम्परेचर देते देते इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ता गया, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते इसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक किया। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करेगा तो ये एक्स लिक्विड जो होगा वो जाना शुरू करेगा किसके अंदर? एक्स गैस के अंदर। लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हुआ तो कुछ देर के बाद इस सरफेस पे जाने के बाद ये फिर से नीचे कंडेंसेट होना शुरू होगा। मतलब ये क्या हो रहा है? इवापोरेशन। ये क्या हो रहा है? इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता? जब कोई लिक्विड वेपर के रूप में बदलता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, उसको अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे पर अगर वो वेपर प्रेशर पे कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो क्या करता है, वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर अगर कोई वाटर या कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तब वो कहा जाता है वेपराइजेशन। इवापोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस। इवापोरेशन क्या होता? इवापोरेशन होता है कि वेपर फेज ऑफ लिक्विड बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। और वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है वेपर फेज, ये छूट गया था, वेपर फेज ऑफ लिक्विड एबव बॉइलिंग पॉइंट। अब क्यों सर, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी लिक्विड जो होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाने के बाद वो बॉयल होना शुरू होता है, तब वो वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है। क्या अगर हम थर्मोडाइनेमिक्स में भी ऐसे एग्जांपल लिए थे कि कभी हमने पॉन्ड को सूखते देखा, तालाब को सूखते हुए देखे, नदी रिवर को सूखते हुए देखे, क्या कभी एटमोस्फेरिक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है? क्योंकि हमने हमने तो पढ़ा है कि सर वाटर जब बॉयल करते हैं, वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्या ये कोई जरूरी नहीं है कि वाटर अगर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो 100 डिग्री सेल्सियस से चाहिए? हाँ, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो हम उसको वेपोराइजेशन कहेंगे। नहीं, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर वो वेपर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, सोचो रिवर सूख रहा है या तुम्हारे खेत में पानी देते हो, खेत में पानी सूख रहा है, इसका मतलब वो पानी जा कहाँ रहा है? वो तो वेपर में ही कन्वर्ट हो रहा है। अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो तो क्या उस एटमोसफेयर का, उस जगह का टेम्परेचर क्या उतना रहा होगा? मैक्सिमम 35, 30, 40, 45 के आसपास रहा होगा, तो उस सूखा होगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर बढ़ाने के कारण से उस वाटर मॉलिक्यूल के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से वो अपने एम्प्टी स्पेस में चमक गया, और एम्प्टी स्पेस में चमक गया है उसे कहेंगे क्या? इवापोरेशन। अब ये मॉलिक्यूल्स, अगर सोचो एक बर्तन की दीवार है, यहाँ से वेपर बन करके जा रही है, इस दीवार पर टकरा था, कभी कुकर में देखा होगा, अगर वेपर बनेगा कुछ देर, अगर हम इसको छोड़ दें तो वो फिर लिक्विड के रूप में क्या होगा? ड्रॉप ड्रॉप वहां से गिरना शुरू हो जाएगा। अगर लिक्विड के रूप में ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है तो गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, अगर गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में तो इस प्रोसेस को कहेंगे क्या? कंडेंसेशन। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। तो एक समय तो ऐसा आएगा कि जितना रेट से वेपर बन रहा होगा उतना ही रेट से कंडेंसेशन भी हो रहा होगा। इसका मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू, अगर रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए तब उसको हम कहेंगे क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन। हम जब इक्विलिब्रियम पढ़े थे तो वहां पर पढ़े थे फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में ये भी एक एग्जांपल ये थे कि सर मेरे पास वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, वेपर को वाटर में कन्वर्ट होना, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा, वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा, तो इसका कहीं ना कहीं होगा क्या कि रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू हो सकता है रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर ऐसी कंडीशन आ गया तब हम कहेंगे कि सर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, हाँ, अगर ऐसी कंडीशन आ गया तब इसको क्या कहोगे? इक्विलिब्रियम में। मतलब अगर देखा जाए कि वेपर प्रेशर अगर कहीं पर मेजर किया जाएगा तो वो तब मेजर किया जा सकता है जब वो इक्विलिब्रियम हो। हम मेजर करके करने का प्रैक्टिस देखेंगे,
चेक करेंगे कि कैसे इसको मेजर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अगर इसको डिफाइन, अभी देखो क्या होगा, डिफाइन कैसे करेंगे, हमको पढ़ना क्या, वेपर प्रेशर। हमने कहा कि सर वेपर कैसे बनेगा, वेपर प्रेशर जब बनेगा जब कोई लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो और उसमें टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके बॉलक्यूल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो वो धीरे धीरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होने के बाद वो लिक्विड कहाँ चला जाएगा, गैसेस फॉर्म में चला जाएगा, और वो गैस कहाँ जाएगा, अपने एम्प्टी स्पेस में जो खाली जगह होगा उसके अंदर जाएगा, और वो जार अगर बर्तन बंद है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वहां पर जाकर के वेपर जमा होगा और उसके बाद वो कंडेंसेशन करना शुरू करेगा, मतलब वेपर जो है वो गैस जो है वो फिर से लिक्विड के बनना शुरू हो जाएगा और वो नीचे आएगा। इससे कारण से हम एक समय ऐसा मेजर करेंगे, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, उसमें कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। अब सोचो जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया होगा उस समय इसके दीवार पर कुछ प्रेशर तो एग्जर्ट हो रहा होगा, है ना, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा कि द प्रेशर एग्जर्टेड ऑफ सरफेस ऑफ कंटेनर, सरफेस ऑफ कंटेनर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो देखेंगे वेपर प्रेशर का डिफाइन करते हैं, वेपर प्रेशर लिखते हैं प्रेशर एग्जर्टेड बाई, प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर्स ऑफ लिक्विड, बाई वेपर्स ऑफ लिक्विड ओवर इट्स सरफेस, ओवर इट्स सरफेस एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या कहें कि सर इसका प्रेशर, इस लिक्विड का जो वेपर है इसका प्रेशर इसके सरफेस पर एग्जर्ट करता है इक्विलिब्रियम कंडीशन तक, उसको हम कहेंगे क्या, वेपर प्रेशर। तो ये एक डिफिनेशन है वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा कि कोई लिक्विड अगर अपने सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है कब, जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। क्यों सर इक्विलिब्रियम कंडीशन ही क्यों, हम मेजर करके देखते हैं, हम देखते हैं सर कैसे इसको चेक करेंगे। हम पहले इसके पहले इवेपोरेशन का डेफिनेशन सुन लेते हैं, तो मिटा इसको। कॉपी करते जाओगे जितना भी दिखाते हो वो समझते जाओगे, तुम्हारा नोट्स तैयार हो जाएगा, उसके बाद जब क्लास रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी हम वहां पर आकर इस चैप्टर को फिर से रिवाइज कर देंगे। देखते हैं इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस, प्रेजेंट एट सरफेस can break the intermolecular attraction, forced by other molecules, and escaped in the empty space। हम क्या बताएं, यह प्रश्न जैसे सिंपल है, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स पर एग्जाम्पल लें, जैसे अगर वाटर को देखा जाए तो HOH ऐसा होता है, और यहां से लेते हैं HOH, तो ये ऑक्सीजन हम हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करें तो FON, और जब कोई हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वह जब हाइड्रोजन के साथ मिक्स मिलता है तो H बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा
तो इसके बीच में क्या होगा, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होगा। अगर ये इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है तो अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने के बाद ये फोर्सेस क्या होगा, सेपरेट होगा और ये अलग अलग एच टू ओ बन जाएगा। अब ये जो एच टू ओ बनेगा वो एक गैसेस फॉर्म में आएगा। तो ये जो था, ये वाला पार्ट जो था वो क्या था, एक लिक्विड के फॉर्म में था, और लेकिन जब ये क्या किया गया, इसको हीट किया गया, इस पर टेम्परेचर दिया गया, और टेम्परेचर देने के कारण से ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और ये मॉलिक्यूल्स जब सेपरेट हो गया तो वही तो मैं कह कि ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ये मॉलिक्यूल्स यहां से भागेगा। अगर मॉलिक्यूल्स भागेगा तो ये जो होगा ये क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के कारण से मॉलिक्यूल्स जो होगा इस सरफेस को छोड़ करके, देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स था, ये मॉलिक्यूल्स था, आपस में जुड़े हुए थे, जब इसको हीट किए तो इसका सरफेस वहां, ये वहां मॉलिक्यूल देखो भी, इसके अंदर जो रहता ना इसे कहते बंक, है ना, बंक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ये मॉलिक्यूल्स इन बंक कहा जाता है, बंक मॉलिक्यूल्स कहते हैं इसको। तो ये अंदर वहां की बात नहीं कर रहे, ये जो सरफेस पर वाटर प्रेजेंट, कभी भी इवेपोरेशन होता है तो हम नीचे से हीट करते हैं तो उसका वाटर का जो ऊपर का सरफेस होता है वहां से वाटर वेपर बन करके जाती है। ऐसा ना कि यहाँ से क्या होगा अंदर वहां जाएगा, क्योंकि ये तो हम पढ़े ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये धीरे धीरे टेम्परेचर कहाँ चमकता जाएगा, ऊपर चमकता जाएगा, और ऊपर जाने के बाद इस सरफेस पर जब जाएगा तो सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके बीच में इंट्रैक्शन फोर्सेस जो होगी वो ब्रेक करेगी, और इंट्रैक्शन फोर्सेस ब्रेक होने के बाद वो मॉलिक्यूल्स वहां से स्केप कर जाएगा, क्योंकि एनर्जी उसके पास ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा तो कहाँ भागेगा, जो आगे का गैप स्पेस है उसमें चला जाएगा, हमने लिखा कि एम्प्टी स्पेस में चला जाएगा। तो अगर ऐसा कहीं पर होता है तो वो मुझे क्या कहा जाएगा, इवेपोरेशन कहा जाएगा, है ना। अगर यही बिलो द बॉइलिंग पॉइंट है, अगर अबव द बॉइलिंग पॉइंट पे जाते, अबव द बीपी पे जाते, तब जाकर के क्या होता मेरा, वो कहा जाता वेपर, है ना, वेपराइजेशन कहा जाता, इवेपोरेशन ही कहा जाता, वो वेपराइजेशन कहा जाता। कोई दिक्कत यहाँ था, ये तो हम पढ़े कि सर वेपर प्रेशर में इवेपोरेशन कैसे होता है, और एक इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है वो दोनों का दोनों सरफेस फेनोमेनन है, क्योंकि सरफेस पर ही होगा, विदाउट सरफेस अगर तुम एक बूंद ड्रॉ, एक ड्रॉप वाटर डाल दो उसके ऊपर देखो करके गए तो ये शायद पता नहीं चलेगा कि कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तब हो सकता है जब वाटर क्या होना चाहिए, एक सरफेस ब्रांड नहीं, उतनी वाटर देना चाहिए, उतना लिक्विड देना चाहिए जिसमें वो क्या करे, एक सरफेस तैयार करे। अगर वो सरफेस तैयार करेगा तभी जाकर के वो क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक कर पाएगा। अगर एक मौके उस पर आओगे पता नहीं चल पाएगा, इस कारण से हम कह रहे हैं कि सर एक सरफेस होनी चाहिए उसके अंदर। चलो यहां तक देखते हैं। अब हम कहते हैं अब हम अगर इस वेपर प्रेशर को मेजर करने की कोशिश करें तो देखो हम वेपर प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं ये देखते हैं। अब मान लो ये कंटेनर है मेरा, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ, हमने इसको हीट करना शुरू किया, ये सर ये कमोबिल फेसल से बंद है, और हम यहां पर क्या किए, एक मोनोमीटर डिवाइस मंगाएंगे, हम एक मोनोमीटर डिवाइस में आएंगे, यहां अगर मोनोमीटर डिवाइस है, इसके अंदर सोचो अगर हम एचजी भर देते हैं, मरकरी मान लो अभी ये इस पोजिशन पर रखे, हम यहां पर एच जी भर दिया,
और अगर इसके हीट करना शुरू किए तो यहां से पार्टिकल क्या हुआ, वेपर बन के गया। ये पार्टिकल वेपर बन के जाएगा तो ये वेपर इसमें भी एंट्री करेगा, और जब ये वेपर एंट्री करेगा तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये क्या जाएगा, इसमें जब प्रेशर एग्जर्ट होगा वेपर आएगा इससे एंट्री करेगा, इसे क्या करेगा ऊपर पहुंचाते जाएगा। ये अगर मान लो ये ऊपर होते हुए यहां पहुंच जाता है, मान लो इस जगह तक पहुंच गया, तो अगर इस जगह पहुंच गया होगा तो यहां पर मान लेते एच हाइट पे ये पहुंच गया, ये मान लो एच सेंटीमीटर गया। हमने यहां पर कब तक ये बढ़ता जाएगा, जब तक वेपर का रेट, तब तक हम चेक करते रहेंगे जब तक रेट ऑफ इवापोरेशन इज कम टू हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन का, तब तक ये बढ़ेगा। अगर रेट ऑफ वेपराइजेशन यहां पर देखेंगे कि ये लिक्विड क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, तो इसको कह रहे थे हम क्या, कंडेंसेशन। और ये जो गैस के फॉर्म में जा रहा था इसको क्या कह रहे थे, इवापोरेशन। अगर ये क्या होगा कि एक्स लिक्विड मान लेते हैं, ये एक्स लिक्विड माने थे, अब ये क्या हो रहा है एक्स गैस में जा रहा है, तो एक्स लिक्विड अगर ये एक्स गैस में गया होगा, एक्स लिक्विड अगर एक्स गैस में गया होगा उस समय तक ये अगर जितना ऊंचाई तक गया होगा वही इसका प्रेशर होगा, क्योंकि हम प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ते हैं रो जी एच। देखो रो अगर पी वन की बात करें तो रो वन जी वन एच वन, तो ऐसा मान लेते एच वन, मान लेते हैं कि सर ये अभी यहां से इस बॉटम सरफेस से एच वन हाइट पे था। अगर सेकेंड प्रेशर की बात करें, ये एट नॉर्मल टेम्परेचर बात कर लेते हैं, एट नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम वेन टेम्परेचर इंक्रीज तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पी टू आ जाएगा। अगर प्रेशर निकालूंगा तो क्या आएगा, अब ये मरकरी, रो क्या है डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी अभी भी तो वही है, इसमें लगने वाला जी अभी भी वही है, तो बढ़ा क्या रो जी एच टू, ये बढ़ा ना, तो चेंज इन प्रेशर कितना आएगा, तो अगर चेंज इन प्रेशर निकालते हो तो आ जाएगा सर पी टू माइनस पी वन, तो पी टू माइनस पी वन की बात करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन, है ना। अगर रो जी को कॉमन ले लेते तो रो जी को अगर कॉमन लेते तो आएगा क्या एच टू माइनस एच वन, मतलब जितना अगर हाइट चेंज होगा वही उसका प्रेशर होगा, क्योंकि रो जी तो पहले से कॉमन है, इसका मतलब प्रेशर ऑफ एक्स गैस जो होगा वो एच सेंटीमीटर ऑफ गैस के बराबर हो जाएगा, मतलब जितना सेंटीमीटर ये गैस क्या करे ऊपर जाएगा वही उसका क्या कहा जाएगा प्रेशर कहा जाएगा। इसका मतलब हम ये चेक कर सकते हैं कि सर जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये जो मरकरी जितना हाइट ऊपर जाएगा वो हाइट ही इसका क्या कहा जाएगा उसका वेपर प्रेशर कहा जाएगा। अब सोचो यहां पर ये क्या होगा डेल्टा एच, किसका वेपर राइजेशन, पढ़े थे हीट में डेल्टा एच वेपराइजेशन, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए, तो यहां पर डेल्टा एच वेपराइजेशन की बात करेंगे। अब अगर यहां से देखा जाए कि अगर हम इसको के इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम निकालने की बात करते हैं, तो यहां पर देख लेते हैं के इक्विलिब्रियम करोगे तो राइट साइड बाय लेफ्ट साइड, मतलब प्रेशर ऑफ एक्स गैस बाय प्रेशर ऑफ एक्स लिक्विड, और हम पढ़े था ना कि प्योर लिक्विड का जो प्रेशर होता है स्टैंडर्ड प्रेशर वो कितना होता है वन होता है। अगर इसको इतना कर देंगे मतलब ये के इक्विलिब्रियम जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा प्रेशर ऑफ एक्स गैस के बराबर आ जाएगा, है ना। ऐसा हम इक्विलिब्रियम में भी पढ़े, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी बात किया, तो कहने के हमको क्या होगा कि इस तरीके से हम यहाँ पर प्रेशर मेजर कर सकते हैं, वेपर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। किसी भी लिक्विड अगर एक डिफिनेट लिक्विड लिया जाए तो हम देखेंगे कि सर जब तक ये ऊपर जाता जाएगा जब तक कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज कम टू रेट ऑफ कंडेंसेशन
नहीं हो जाता क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करता रहेगा। जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा कि जितना तेज से वेपर प्रेशर कन्वर्ट होगा उतना ही तेज से अगर ये आ जाए तो ये दोनों क्या आ जाएगा, इसके लिक्विड और ये गैस एक दूसरे का इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तो इसके कारण से ये क्या होगा, अब यहाँ पर जाकर के रुक जाएगा, ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा क्योंकि अब प्रेशर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। अब प्रेशर कॉन्स्टेंट हो गया तो इस जितना प्रेशर के कारण से ये बढ़ा है वो बढ़ा हुआ प्रेशर ही हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर वही होगा जितना प्रेशर ये इंक्रीज करवाएगा। चलो अगर हम इसे ग्राफ के रूप में देखें, अगर इसका ग्राफ देखा जाए रेट और टाइम के बीच का, अगर रेट और टाइम के बीच का ग्राफ देखें तो वेपराइजेशन का रेट क्या होगा, वो तो शुरू से वेपर बन रहा था, लगातार ही वेपर बनता गया, तो ये रेट जो होगा रेट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा या इवेपोरेशन। और ये कंडेंसेशन क्या हुआ, ये जीरो से स्टार्ट हुआ क्योंकि पहले से वाटर गैस के रूप में नहीं था, ये कंडेंसेशन बाद में स्टार्ट हुआ। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होते होते एक समय ऐसा क्या होगा जहां पर दोनों क्या हो गया होगा, बराबर हो गया होगा। अब यह कंडीशन क्या कहा जाएगा, इक्विलिब्रियम का कहा जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जाने के बाद यह क्या हो गया होगा, रुक गया होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और यह क्या है, कंडेंसेशन, ये इक्विलिब्रियम पर कंडीशन पर होगा। और यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा, यहां का जो प्रेशर होगा वही मुझे कहा जाएगा वेपर प्रेशर का। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक देखते, अब हम बात करते हैं एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन की यूज करते हैं, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया और टेम्परेचर बढ़ाने के कारण से ये सब प्रेशर एग्जर्ट हुआ। हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन था log P2 by P1 इसका टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई 2.303 आर 1 बाई टी टू माइनस 1 बाई टी वन। ये हम पढ़े थे प्रेशर और इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का जो टर्म पढ़े थे कहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स में। यहाँ पर से साफ पता चल रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं T2 बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा एच वेपराइजेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां से अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एंथैल्पी बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा एच वेपराइजेशन जो होगा वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ऐसे भी पता चल रहा है कि सर हम टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं मतलब कौन सी क्या कर रहे हो, एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक है सर, टेम्परेचर दिया जा रहा है, टेम्परेचर दिया जा रहा है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। इसके आंसर हम क्या कहेंगे, ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान दोगे, थर्मोडायनेमिक्स में हम ऐसा पढ़े थे और थर्मोडायनेमिक में है ना, और इसका यूज आएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि log P2 by P1 is equal to क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन इक्वल टू 2.303 आर 1 by T2 माइनस 1 by T1। इस इक्वेशन से पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। अब हम यहाँ से देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए। ये तो सबसे पहले हम अगर एक लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हम यहां देखते हैं, हम वेपर हम लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी तो देखे थे टेम्परेचर पर, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यह मैं भी बात किया थी पीछे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। बात आता है सर नेचर ऑफ लिक्विड क्या, तो देखा जाए तो लिक्विड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो कहते उसको कहते हैं जो लिक्विड से वेपर के रूप में कन्वर्ट होगा, इट कन्वर्ट्स इन वेपर फेज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर या किसी भी फेनोमेनन करने पर अगर ये वेपर फेज में चला जाता है, वेपर में चला जाता है तो वो वोलेटाइल है, डजंट कन्वर्ट इन वेपर। अगर वेपर में नहीं गया तो उसे नॉन वोलेटाइल कहेंगे। जैसे सुपर कूलिंग लिक्विड की बात कर लेते हैं, घास है, रबर है या फिर गम्स है, ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पर वेपर ग्रुप में नहीं होता है तो उसे नॉन वोलेटाइल कहेंगे। अगर वोलेटाइल फेज की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वेपर फेज में कन्वर्ट करता है। अब बात आती है कि अगर वोलेटाइल है तो ये वोलेटाइल भी दो तरीके का होता है, एक है लेस वोलेटाइल और एक है हाई वोलेटाइल। अब बात करो कि लेस वोलेटाइल किसको कहोगे, जिसके बीच में इंटरमोलेक्युलर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर सोचो कोई लिक्विड आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक मॉलिक्यूल से, जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास HCl, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस अट्रैक्ट होगा ज्यादा, तो इसको इसमें क्या होगा, अगर तोड़ने के लिए इसमें टेम्परेचर हमको ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब अगर अगर हाइयर टेम्परेचर पर ले जाएंगे तब ये मॉलिक्यूल टूटेगा, और मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या करेगा, वेपर प्रेशर वेपर फॉर्म करेगा। इसका मतलब जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है वो मॉलिक्यूल कम वेपर बनाएगा, अगर वेपर कम बना रहा है इसका मतलब वो है लेस वोलेटाइल, और जिसके बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्सेस है, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस है उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे उसकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो गया तो वहां से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया तो वो क्या कहा जाएगा, हाइनिक वोलेटाइल कहा जाएगा। तो वोलेटाइल के बेस पर देखें तो दो टाइप का होगा, एक होगा मेरे पास किस तरह स्ट्रॉन्गर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर जिसके पास होगा, हम समझते हैं स्ट्रॉन्गर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसके पास होगा, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर लो होगा, वो वेपर प्रेशर होगा, और जिसका बीकर स्ट्रॉन्गर बीकर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आएगा, बीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। मतलब जो जितना ज्यादा वेपर बनाएगा उतना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा दीवार के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल कोई लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी ज्यादा है तो बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा, उसी किसी का अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो उसको टूटने में कम टेम्परेचर चाहिए, वो कम टेम्परेचर पर ही ज्यादा वेपर बनाएगा, और ज्यादा वेपर बनाएगा इसका मतलब क्या है, उसमें हाई वेपर प्रेशर होगा। चलो ये तो बात पता चला किसे, एक टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा क्या हुआ नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। चल नेक्स्ट इसको फिनिश करते हैं, ये तो हम बात किए किसके ऊपर, नेचर ऑफ लिक्विड पर, दो तरह का बात किए,
एक वोमाटा है, दूसरा नॉन वोमाटा है। वोमाटा है उसको कहते हैं जो स्वभाव क्या करता है, वेपर बनाता है। नॉन वोमाटा उसको कहते हैं जो वेपर नहीं बनाता। उसके बाद वोमाटा में हम बात किए मेस वोमाटा और हाई वोमाटा। मेस वोमाटा उसको कहते हैं जिसके बीच में क्या होगा, इंटरमॉन्सिमल प्रोसेस स्ट्रांग होगा, वो कम वेपर बनाएगा, और कम वेपर बनाएगा इस कारण से उसकी वेपर प्रेशर जो होगा वो लो हो जाएगा, मतलब कम जाएगा। और अगर किसी का क्या होता है बिगर ट्रैक्शन फोर्सेस है, वो कम टेम्परेचर पर ही अपनी इंटरमॉन्सिमल फोर्सेस को ब्रेक कर लेता है। अगर इंटरमॉन्सिमल फोर्सेस ब्रेक कर लेता है तो उसके पास क्या होंगे, वेपर अधिक बनेंगे। और वेपर अधिक बनेगा तो प्रेशर भी क्या करेगा, एक्सेस एग्जर्ट करेगा, हाई वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। चलो तीसरा हम बात करते हैं कि इफ ए गिवन लिक्विड, अगर किसी लिक्विड को फिक्स कर दिया जाए, इफ अ गिवन लिक्विड, लिक्विड को अगर फिक्स कर लेते हैं तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। लिक्विड इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ये जो होगा सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, है ना। एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड, ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड अमाउंट ऑफ लिक्विड साइज और शेप ऑफ वेसल्स, साइज और शेप ऑफ वेसल्स। तो यहां से देखें तो अब कहता है कि अगर कोई एक फिश लिक्विड करते हैं, मान लो हम वाटर की बात करते हैं H2O, तो ये कितना वेपर बनाएगा, कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ये डिपेंड सिर्फ करेगा एक टेम्परेचर के ऊपर, सिर्फ का सिर्फ क्या होगा, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। ये कितने अमाउंट में हम वाटर में ये है, या फिर हम जिस बर्तन में रखो उसका शेप कैसा है, इस पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हम चेक करते हैं, मान लो कि मेरे पास एक क्लोज वेसल्स है और हम यहां पे वन लीटर वाटर रखें, H2O रखें, और सेप कुछ भी देख उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बर्तन का, हम इसको यहां पर यहाँ पर हम 5 लीटर अगर वाटर रखते हैं और ये भी क्लोज वेसल, अरे क्लोज वेसल से, और अगर हम दोनों को सेम टेम्परेचर दे रहे, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस को भी दिए और 27 डिग्री सेल्सियस को भी दिए, दोनों का टेम्परेचर सेम दिए, तो ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा वेपर बनाएगा, क्योंकि दोनों सेम तरह का सरफेस तैयार करेगा, यहाँ और यहाँ सरफेस क्या होगा, सेम तैयार होगा, तो दोनों का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर दोनों का क्या किए है, सेम किए। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो ऑनवेज क्या होगा, सेम होगा, मतलब यहाँ पर वेपर प्रेशर सेम होगा दोनों का। ये डिपेंड नहीं करेगा कि कितने अमाउंट में है, 1 मीटर है या 5 मीटर है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या होगा, वाटर अपना सरफेस तैयार कर रहा होगा और हम यहाँ पर कहेंगे कि वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, सरफेस फिनोमेनन नहीं, हाँ इवापोरेशन और कंडेंसेशन, हम नोट करके लेते हैं ना, नोट करके लेते हैं कि इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन,
मेजर सरफेस फेनोमेना। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है वो सरफेस फेनोमेना है, बट वेपोराइजेशन इज नॉट ए सरफेस फेनोमेना, बट वेपर प्रेशर नहीं देता, वेपर प्रेशर इज नॉट ए सरफेस फेनोमेना। वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो रेक्टेंगुलर सरफेस बनाया है, सिलैंडरिकल सरफेस बनाया है, या डिस्क सरफेस बनाया है। किसी भी तरीके के बर्तन में रख दे, किसी भी शेप का बर्तन में रख दे, अगर मेरे पास टेम्परेचर सेम है तो वो जनरली क्या रखेगा, वेपर प्रेशर सेम ही रहेगा। जैसे अगर इसमें एक और बात कर लेते हैं, अगर शेप की बात करें, शेप ऑफ वेसल, मान लो एक तुम इस तरह का बर्तन लिया, एक तुम इस तरीके का बर्तन लिया, इस तरीके का बर्तन लिया, या फिर तुम ऐसा बर्तन लिया इस तरीके, कोई भी शेप का मूव और एक लिक्विड है उसमें भर दो। ऐसा नहीं कि एक दो बूंद लिक्विड भरते हैं, हम क्या कहते हैं कि वेपर प्रेशर तक में एक कर सकते हैं जब वाटर एक सरफेस या लिक्विड एक सरफेस तैयार करेंगे। अगर सबका टेम्परेचर दे 27 डिग्री सेल्सियस, सब दे, इसका भी 27 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 27 डिग्री सेल्सियस, अगर सबको सेम टेम्परेचर देते हैं तो सब में क्या होगा, सेम वेपर तैयार होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम रहेगा। तो अगर वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या है, सेम है, इस कारण से हम कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस फेनोमेना नहीं है। वो यहाँ पर यह सरफेस आ रहा होगा, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ और शेप होगा, यहाँ पर वाटर, मतलब कुछ अलग अलग तरीके का सरफेस भी अगर शेप दे भी दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेपर प्रेशर के ऊपर। तो याद रखना कि वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड किया, पहला टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड, और तीसरा हम कहे कि सर ये डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, शेप ऑफ वेसल्स के ऊपर, कि किस बर्तन में रखा गया, उस बर्तन का शेप कैसा है, ना वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ लिक्विड पे कि कितने अमाउंट में उसको रखा गया, वो कम हो ज़्यादा हो किसी भी अमाउंट में हो उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑनवेज सेम ही रहेगा। चलो यहाँ तक तो हम बात किए वेपर प्रेशर का, नेक्स्ट बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट, ये सब ध्यान रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, हम ये सब जो पढ़ रहे हैं वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी की तैयारी कर रहे हैं, समुष्टन का मेन पार्ट वही है, वहीं से सारा क्वेश्चन आता है, रॉस ना हो जाएगा, हेनरी ना हो जाएगा, ये सारे फैक्टर वहीं से आएंगे, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं इसको। अगर बॉइलिंग पॉइंट करें तो क्या है, सिंपल है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर या प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे अगर चेक करो, अगर मान लो हम यहाँ पर एक लिक्विड लेते हैं और यहाँ एक पिस्टन लगा देते हैं, अगर हमें यहाँ पे पिस्टन लगा दें, इसके अंदर लिक्विड हो रहा हो, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे इस लिक्विड का
0.2 atm प्रेशर, वेपर प्रेशर है, और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 2 atm। अब हमने इसको हीट करते हुए क्या किए, इसको टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। कोई भी सेव करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही बर्तन ले लूंगा। अगर हम यहां से यहां तक टेम्परेचर इंक्रीज करवाते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करवाते हैं तो बाहर से अगर 2 atm है, अंदर का लिक्विड का भी क्या हो जाए, 2 atm प्रेशर हो जाए। मतलब जो उतना टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर ये बाहर और अंदर का, अगर मान लो यहां पर हम 50°C कर देते हैं, तो इस 50°C में क्या हुआ कि अंदर का वेपर प्रेशर और बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस बर्तन के बाहर लग रहे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तब उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो लिखते हैं इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर काफी। इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ या एक्सटर्नल प्रेशर, यानी वो टेम्परेचर जिसपे क्या होगा कि इसका लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो बाहर लग रहे प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर देखो सिंपल सा टर्म्स कहा जाए कि अगर एक्स लिक्विड यहां पर एक्स गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो जितना इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो इसका क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर। अब सोचो ये वेपर प्रेशर क्या हो गया इक्वल, इसका मतलब यहां पर डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। गिब्स फ्री एनर्जी क्या कहता था, टोटल वर्क डन। यहां तो प्रेशर क्या हो गया दोनों का सेम आ गया, मतलब प्योर वर्क बताता था ना वो, यहाँ पर प्रेशर सेम आ गया, कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि वर्क का प्रमुख फॉर्मूला था पी डेल्टा भी। यहाँ पर प्रेशर सेम है, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, क्या होगा वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा जी जीरो होगा तो यहाँ पर एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, हम डेल्टा जी बराबर पाते थे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, यस। तो अगर यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो बराबर क्या पढ़ोगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसका मतलब टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब यहाँ पर अगर हम टी बराबर पढ़ेंगे, अगर टी यहाँ टी भी इसको बॉइलिंग टेम्परेचर कर देते इसका टू क्या होगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय डेल्टा एस, है ना। डेल्टा यानी यहाँ पर क्या होगा, बर्निंग पॉइंट की बात करेंगे या वो टेम्परेचर जहां पर इंट्रोपी जो होगा वो पूरा का पूरा किस में हो जाएगा, इंथैल्पी जो होगा पूरा पूरा इंट्रोपी में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पर हम क्या कर सकते हैं ये निकाल सकते हैं, यानी बर्निंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस हो जाएगा। तो याद रखना कि जब भी हम अगर क्या करेंगे बर्निंग पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो बर्निंग पॉइंट पर जाने के बाद गिब्स फ्री एनर्जी जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है, और गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगा ये सब पढ़े थर्मोडायनेमिक्स में, गिब्स फ्री एनर्जी अगर जीरो हो जाता है तो डेल्टा जी बराबर क्या पढ़ेंगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी को जीरो कर दिए तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस आएगा, वो वेपर फेज के अंदर होगा। अब यहां से कुछ भी निकाल सकते हो, एंट्रोपी भी निकाल सकते हो, टेम्परेचर भी निकाल सकते हो, कुछ भी यहां से क्या कर सकते पता कर सकते इसको। अब अगर हम बात करें कि हम बॉइलिंग जो देखा जाए, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। चलो देखते हैं,
बर्निंग पॉइंट को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक नॉर्मल बर्निंग पॉइंट और एक स्टैंडर्ड बर्निंग पॉइंट। नॉर्मल बर्निंग पॉइंट क्या होता है? जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है, पी एक्सटर्नल जो होगा अगर वह 1 atm है, मतलब वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर 1 atmospheric प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो कहा जाएगा नॉर्मल बर्निंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बर्निंग पॉइंट तब कहेंगे जब एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो 1 bar के बराबर हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 bar के बराबर हो जाता है तब हम उसको कहेंगे क्या? स्टैंडर्ड बर्निंग पॉइंट। अगर 1 atmospheric प्रेशर के बराबर होती है तब उसे कहते हैं नॉर्मल बर्निंग पॉइंट। इस सिंपल से टर्म से देखें तो बर्निंग पॉइंट अगर एक प्योर लिक्विड का देखते हैं, बर्निंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड जो होगा वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेपर प्रेशर का। अब तो खुद सोच सकते हो कि अगर एक लेस वोलेटाइल लिक्विड था तो इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या थी? ज्यादा थे। इंटर सिंपल थे IMF, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या था? हाई था। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई था तो यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो रही थी? कम बन रहा था। तो सोचो हम क्या करें, बर्निंग पॉइंट जहां पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब ये मॉलिक्यूल्स को अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ये क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी के कारण दूर भागेगा, तो इसमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसको वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा, एक्सेस टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगा। अगर एक्सेस टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर हमको ज्यादा चाहिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो हम टेम्परेचर ही तो है बर्निंग पॉइंट, तो बर्निंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर यहाँ पर वेपर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। अगर यही हाई वोलेटाइल लिक्विड होता तो हाई वोलेटाइल के लिए हम क्या करते, हाई वोलेटाइल लिक्विड के लिए यहाँ पर वीकर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता, और वीकर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होता, एक्सेस बनता। अब वेपर प्रेशर एक्सेस बनता तो हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ता, IMF कम था, IMF कम था तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को कम करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक बर्निंग पॉइंट के लिए हमको क्या होगा कि ये चेक करना होगा कि सर यहाँ पर वेपर प्रेशर अगर कम है तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर यानी बर्निंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये समझ गए। चेक करते इसको, कॉपी करना है इसको, इसे चेक करो कि अगर एक बर्तन है, यहां पर हम एक पिस्टन लगा दिए, और अगर ये 0.2 atm प्रेशर अंदर में लिक्विड जो है ये 0.2 atm प्रेशर, और बाहर का प्रेशर मान लेते हैं 2 atm, और अगर सोचो बाहर का प्रेशर तो 2 atm ही रहा लेकिन अंदर का प्रेशर अगर 1 atm हो जाए तो बताओ टेम्परेचर किस में ज्यादा होगा, 0.2 से 2 जाने में या 1 से 2 जाने में? यहां पर टेम्परेचर कम हो गया क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा है। यहां पर सॉल्यूशन ए और बी की बात करें, ए और बी की बात करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, इससे कम है, इसका वेपर प्रेशर कम है। अगर वेपर प्रेशर कम है तो इसको यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, और टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर टीबी मतलब बर्निंग टेम्परेचर की बात करें या बर्निंग पॉइंट की बात करें तो किसकी बर्निंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसकी बर्निंग पॉइंट ज्यादा होगा। ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब ये वेपर के रूप में कन्वर्ट हो, उतना प्रेशर को ले पाएगा। इसमें कम टेम्परेचर ही देंगे, अगर मांगो यहाँ पर हम 50 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ जा पाते, यहाँ मांग लेते कि 30 डिग्री सेल्सियस पे ही चले जाएंगे,
तो क्या होगा, इसकी बर्निंग पॉइंट कम जाएगी, ये याद रखोगे। तो एक तो हम सिंपल सी बात किया कि अगर मेरे पास इसका बॉइलिंग, इसका वेपर प्रेशर अगर कम रहता है, वेपर प्रेशर कमेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कमेगा। और वेपर प्रेशर पर हम वही बात किए थे, वोंगाटाइम किया और नेक्स्ट वोंगाटाइम हाई वोंगाटाइम की बात किए थे, जहां पर चेक कर सकते कि किसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, इसके बाद एक और काम करते हैं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज किया जाए, हमने क्या पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर। अगर हम बाहर का यहाँ पर प्रेशर रखते हैं 2 atm और यहाँ पर 0.5 atm रख लेते हैं, यहाँ पर प्रेशर है, और हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि 4 atm कर लेते हैं एक्सटर्नल वेपर पे, एक्सटर्नल प्रेशर जो है, इसका भी अगर करते 0.5 atm। अब देखो दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, सेम, लेकिन इसको 2 atm पर ही जानी है और इसको क्या करना है 4 atm पर जाना। तो ज्यादा टेम्परेचर किसको देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, बर्निंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी एक्सटर्नल का। जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा उतनी टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगी, बढ़ा देना पड़ेगा। तो इसको इससे रिलेट मत कर देना। ये क्या था, ये तब था जब एक्सटर्नल प्रेशर सेम थी। जैसे अगर इस रूम में रखें जहां पर पढ़ा रहे हैं, अगर इस रूम की बात कर रहे हैं तो दो लिक्विड को, दो सेम टाइप का लिक्विड रखा जाए या दो डिफरेंट लिक्विड रखा जाए, एक हाई वोंगाटाइम है एक नेक्स्ट वोंगाटाइम है, तो जिसकी वेपर प्रेशर कम होगा उसको अगर हम चाहें कि क्या करें, उसके वेपर प्रेशर में करें तो हमको, या उसके बॉइलिंग पॉइंट में करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना। अगर जिसकी वेपर प्रेशर क्या है ज्यादा है और उसको बॉइलिंग पर जाना होगा तो इसमें प्रेशर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर करें, एक इस रूम में रख लेते हैं और एक वहां चले जाते हैं जहां पर प्रेशर कम होगा, जैसे अगर हाई एल्टीट्यूड पर चले जाए, ऊपर पहाड़ों पर निकल चले जाए, तो यहाँ की अपेक्षा वहां क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। मतलब कहीं कहीं हमको क्या होगा कि टेम्परेचर जो होगा वह एक्सटर्नल प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। यहाँ पर अगर ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा अगर यहाँ पर ज्यादा है, पहाड़ों पर जाते हैं अगर प्रेशर कम जाता है तो एक्सटर्नल प्रेशर कमता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इसमें पहाड़ों वहाड़ पर देखते हैं कि 100 degrees Celsius से नीचे ही क्या हो जाती है, वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है ना। वहाँ खाना बनाने जाओ, खाना देर से बनेगा लेकिन वाटर क्या होगा, बहुत जल्दी बॉइल कर जाएगा। नहीं, अगर रूम में देखो तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर तुम्हारे एटमोसफेयर प्रेशर ज्यादा होगा, एटमोसफेयरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 100 degrees Celsius पर ही जाकर वाटर बॉइल हो जाती है। सब मैथ में पढ़ते थे सब क्वेश्चन कि ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, लेकिन नीचे रहने पर बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज किया। एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये एक कमल फैक्टर था जो हम एक क्या कर रहे थे, एक ही जगह रख रहे थे जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर को सेम किया गया था और यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर को क्या किया गया, चेंज किया गया। अगर एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करेंगे तो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक यहाँ पे खत्म करेंगे इसको। नेक्स्ट डे हम रॉड समाप्त पढ़ेंगे, थोड़ा सा कभी बुक एनसीईआरटी देखते रहना और जो भी तुम्हारे पास बुक है, कंसंट्रेशन टर्म्स हम पीछे पढ़े थे, उसका सारा का सारा चीज क्या करो, ट्रिपल राइटर जो बुक था उससे क्वेश्चन स्वयं करो। अगर नहीं होता तो क्वेश्चन टाइप करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करो, हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे या फिर अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व कर देंगे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलो मिलते हैं। एट बॉइलिंग पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, एट बॉइलिंग पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एंड वेपर वॉल्यूम्स एंड वेपर वॉल्यूम्स बिकम सेम,
मतलब क्या कहा कि अगर काइनेटिक एनर्जी लिक्विड और वेपर का देखा जाए, अगर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं तो वहां पर मान लो यहाँ लिक्विड है, अगर स्टैंडर्ड प्रेशर 2 एटीएम है 30 डिग्री सेल्सियस पे, और वेपर प्रेशर भी कितना है 2 एटीएम है, तो इस जगह इस लिक्विड का और यहाँ जो गैसेस मॉलिक्यूल घूम रहा होगा दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सेम होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक, आज यहाँ तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट डे हम वो बात करेंगे रॉड्स लॉ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम लेके आएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही सब आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वेपर प्रेशर आता है, उसके बाद इनहिबिशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे चार मेरे पास क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो सब कुछ यहाँ पर आएगा। हम अभी बेसिक तैयार कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए, रॉड्स लॉ की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस बोर्ड एग्जाम से। रहने देते हैं यहाँ तक, नेक्स्ट डे हम यहाँ इसके आगे शुरू करेंगे।